श्री वाहिगुरु साहिब जी सदनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जन्म मरण दोहो मैं नहीं जन पर उपकारी आए जी दान दे भक्ति लायन हर सिउ लैण मिलाए कर्मा वाले आउंदे ने दुनिया नू तारण वास्ते कर्मा वाले आउंदे ने दुनिया नू तारण लई जी कर्मा वाले आउंदे ने दुनिया नू तारण वास्ते कर्मा वाले आउंदे ने प्यारे जी दुनिया नु तारण वास्ते वाह 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 वा, दुनिया नु तारण वास्ते दुनिया नु दुनिया नु तारण लई साधु आंदे जिवें धन बाबा वडभाग सिंह साहब आए दुनिया बत्ती कर्मां दी आंदी है साधु भेजे आप रब ने दुनिया बत्ती कर्मां दी आंदी है धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब धन बाबा वडभाग सिंह सोधी पातशाह ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बाबा जी जिन्हां दा पांच शॉर्ट विच जीवन तुहानू सांझ पाणा कि बाबा वडभाग सिंह कौन सी उन्हां दा जीवन की सी उन्होंने अपनी जिंदगी किन्ना भला किया किन्नियां नूं तारिया सो प्यारिओ बाबा वडभाग सिंह जी का जन्म जिहड़ा है 1710 विच हुंदा है 1710 च बाबा जी का जन्म हुंदा है जो लोग कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने शराफ दित्ता है बाबा वडभाग सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी 1708 विच
सचखंड जाते हैं गुरता गद्दी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं दे के ते बाबा वडभाग सिंह जी का जन्म जिहड़ा 1710 विच हुंदा है फिर शराब कित्थों देता रही गल बाबा जी का जन्म होया 1710 विच माता राज कौर की कुखों ते बाबा राम सिंह दे घर विच बाबा जी ने जन्म लिया। बाबा जी का जन्म हसदियां दा होया, बड़ा चेहरे ते नूर सी, बड़ा मत्थे ते तेज सी, बहुत चमका मारदा सी मत्था बाबा जी का, क्योंकि बचपन तो महाराज जी बहुत आनंदमयी बाबा जी की रूह एक नाम जपण वाले सी। तो जदों इन्हां दा जन्म होया उदों तो रह महाराज जी के घर के सहज पाठ आरंभ करवाते माता राज कौर ते बाबा राम सिंह जी ने घर सहज पाठ आरंभ करवाते जदों बाबा वडभाग सिंह महाराज का जन्म होया। सो प्यारे पंडित शरदा आनंद ने जदों वेख्या ना आ के बाबा जी ने दर्शन किए, दर्शन करदे ही पंडित शरदा आनंद आके कहिंदे ते पुत तुहाडा बड़ा वड्डा साधु बनेगा, महापुरख बनेगा, जरनैल बनेगा। बाबा राम सिंह जी कहिंदे रा नाम की रखी, कहिंदे रा नाम रखो वडभागा, ये वड्डियां भागां वाला है। शरदानंद कहिंदा वी इहदा नाम रखो वडभाग, वडभागा, वड्डियां भागां वाला पुत है तुहाडा। सच्ची गल उही बणी, बाबा जी सचमुच वड्डियां भागां वाले ने। बाबा जी गोडियां ते रिड़दे सी, अन्नी माता ड्योड़ी दे बाहर रहिंदी सी, उस अन्नी मां नूं वेखदा नहीं सी, उहनूं पता लगा सोडियां दे घर दे विच इक बालक ने जन्म लिया। कहिंदे ने बड़ा परोपकारी महापुरुष है, बड़ा परोपकारी साधु है, आम नहीं है, क्यों ना मैं दर्शन करके आवां, मेरी अखां वापस आ जाण किते। आखो सतनाम। ते प्यारियो ओही गल बनी, बाबा जी ने ओ माता जी आए नहीं, माता राज कौर ਨੂੰ ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਆਏ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ऐसे परोपकारी साधु, ऐसे परोपकारी महापुरख साधु जन जेड़े आप तरे, अपनी कृपा कीती उन्होंने। सो ऐसे परोपकारी साधु सच्चे पातशाह
कमाई वाले साधु सी बाबा जी। सो प्यारे जिहड़ा जिहदे वल नजर करनी ओहदा भला कर देना, जिहदे वल नजर करनी ओहदा भला कर देना, ऐसी कमाई सी बाबा जी दी, ऐसी कमाई। सो प्यारियो बाबा जी दी एज 11 सालां दी आई, बाबा जी बाणी नाल बड़ा प्यार करदे सी, बहुत प्यार सी, अथाह प्यार बाबा जी बाणी नाल करदे सी, बड़ी कृपा बड़ी गुरबाणी नाल बहुत बाबा जी लिव सी। ते बाबा दीप सिंह जी जो कि बाबा वडभाग सिंह महाराज जी कोल एक महीना रहे सी किले दे विच, एक महीना बाबा दीप सिंह जी करतारपुर साहब च रहे। बाबा वडभाग सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाणी पढ़ते ने, ते बाबा वडभाग सिंह जी की एज 11 साल दी सी उदों बाबा जी बाणी सुनते ने। इदां ही चलता रहा ते बाबा दीप सिंह जी कहिंदे ने बाबा राम सिंह नूं, इह तुहाडा पुत्तर बहुत परोपकारी संत बनेगा, आम नहीं। ओही गल बनी, बाबा जी ने गतके दा अभ्यास धन धन बाबा दीप सिंह तो सिखिया, गतके दा अभ्यास भी धन धन बाबा दीप सिंह महाराज तो सिखिया सी बाबा वडभाग सिंह महाराज ने। ये बखेवे तो साडे वालिआं ने पाते, वह वडभाग सिंह ते ना जायो जी, इदां हुंदा जी, वह हुंदा है। बाबा वडभाग सिंह जी की हिस्टरी पढ़ीए, इतिहास पढ़ीए, फिर पता लगता है गल्लां दे। आपां जने खने दी आपां ते बाबा श्री चंद नूं माड़ा करने आ, आपां बाबा श्री चंद महाराज नूं माड़ा बोलने आ, जिहड़े गुरु नानक साहब के पुत्र ने। तो प्यारियो धन बाबा वडभाग सिंह सोढ़ी पातशाह, गलती दादा करे पोतरे का कोई दोष नहीं हुंदा, आपको सतनाम। जे गलती दादे दी होवे, पोतरे ने अमृत छक लिया होवे, सिंह सज गए होण, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब का पुत्र बन जांदा है, आखो सतनाम, वह फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब का पुत्र है। सो प्यारियो धन बाबा वडभाग सिंह साहब जी ने अमृत छकिया 11 साल की अवस्था, जस्सा सिंह आलूवाड़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया पासू, खंडे की पहल लई वडभाग राय तो वडभाग सिंह बने। उस समय नासर अली ने कहर मचाया सी करतारपुर साहब च, बहुत हिंदुआ धियां भैणा दियां तुरकणियां बनांदा सी उन्हां नूं। ते प्यारियो मेरे बाबा वडभाग सिंह सोढ़ी पातशाह तू बर्दाश्त ना होया, ते महाराज जी ने प्रण किया उन्हां चिर असी वड्डा दमाला सिर ते नहीं सजावांगे जिन्ना चिर असी नासर अली नूं खत्म ना कर दईए। सो प्यारियो धन बाबा वडभाग सिंह साहब जी ने उस नासर अली तूं जिन्हें गुरद्वारा थंब साहब साड़िया सी करतारपुर साहब, अज भी वह गुरद्वारा साहब है, अज भी वह गुरद्वारा शामिल है, उत्थे बाबा वडभाग सिंह जी का नाम इतिहास दे विच लिखिया होया है। जिहड़े नहीं गए थंब साहब गुरद्वारे जाके आयो करतारपुर साहब च, उत्थे थंब साहब गुरद्वारे दे विच इतिहास दे विच लिखिया होया है कि धन बाबा वडभाग सिंह महाराज जी ने बदला लिया सी इस गुरद्वारे का, आखो सतनाम, बकायदा लिखिया होया। जो लोग निंदा करते ने, जो लोग बाबा जी नूं माड़ा कहिंदे ने, महाराज जी नूं माड़ा बोलते ने, ये उन्होंने बदनाम कराया महाराज जी ते बहुत बेअंत ने। फिर नासर अली नूं बाबा जी ने टाली दे रुख नाल बन्निया, टाली दे रुख नाल बन्न के पुठियां लटका के बाबा वडभाग सिंह साहब जी ने उस नासर अली नूं साड़िया। उसका बदला बाबा वडभाग सिंह महाराज जी ने थंब साहब गुरुद्वारे का बदला लिया, फिर नासर अली नूं साड़ के। हिंदुआ दियां धियां भैणां घरों घरी पचाइयां, घरों घरी पचा के हिंदुआ दियां धियां भैणां नूं फिर बाबा जी ने प्रण किया। बाबा जी दियां दो भैणां सी, बीबी भानी बीबी कुशल कौर, दो भैणां। बाबा जी का प्यार सी बीबी भानी दे नाल, बहुत प्यार सी। ते बाबा जी नाम जपदे आ संगतां नूं, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ रहे ने, बाणी नाल जोड़ रहे ने, अमृत वेले नाल जोड़दे ने। ते प्यारियो धन बाबा वडभाग सिंह जी उन्ना चिर अन्न जल नहीं छकदे हुंदे सी जिन्ना चिर गुरु साहिब दा हुक्मनामा नहीं आ जांदा सी, गुरु साहिब दी देग नहीं वरत जांदी सी, उन्ना चिर धन बाबा वडभाग सिंह जी अन्न जल नहीं छकदे सी। वह अमृतधारी योधे सी, अमृतधारी योधे। उन्होंने बदनाम कर रहे ने लोग, उन्होंने नाँ ते पखंडवाद कर रहे ने, वो अमृतधारी योधे सी, आखो सतनाम।
उन ओ अमृतधारी योधे जरनैल सूरमे बाबा वडभाग सिंह साहब जिन्हां दी अथाह कमाई जिन्हां दा इतिहास पढ़ी अखां खुल जांदियां जिन्हां दा अथाह कमाई सी उन्हां दी हिस्टरी पढ़ के बहुत आनंद आंदा है। बाबा वडभाग सिंह वर्गा सूरमा बाबा वडभाग सिंह वर्गा महापुरख भी कोई नहीं होना। ऐसी कृपा सी छोटी खालसा जी सी ते प्यारे बाबा जी दियां दो भैणां बीबी भानी ते बीबी कुशल कौर। बीबी भानी नाल बहुत प्यार सी बाबा जी दा बहुत प्यार बहुत प्यार प्रेम सी। ते बाबा जी अपनी भैण नूं कहिंदे असीं हुण अजिही जगह ते जाणा है जिथे भगती करदिआं नूं कोई रोकण वाला ना होवे। असीं हुण पहाड़ां दे विच जाणा है उत्थे भगती करनी है उस अकाल पुरख दा नाम जपना है उस अकाल पुरख की बाणी पढ़नी है सिमरन करना है। फिर बाबा जी घोड़े ते चढ़ के बाबा जी पहाड़ां दे विच चल पे ने। हो रहे जी 5 मिनट की हो रहे। ओ मन होके बरागी तुर चले जोग कमान वास्ते मन होके बरागी तुर चले जोग कमान वास्ते मन होके बरागी तुर जोग मन होके बरागी प्यारे जी जोग कमान वास्ते वाह 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 जोग कमान वास्ते वाह 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 जोग वाह 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 जोग मन हो के बराती तुर चले मन बैराग विच है पहाड़ां वाले पातशाह। फिर घोड़े ते चढ़ के इधर पहाड़ां दे विच आ गए पहाड़ां विच डेरा लाया बाबा जी ने भगती कीती सोडी पातशाह रहमत कीती सोडी सुल्तान जी रहमत करके सच्चे पातशाह अपनी कृपा कीती। आओ इन्नियां जिन्नियां प्रमाण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।